हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस सुबह का टाइम है जी और सुबह भूख लगी हमें, और आज हम स्पेशली हम अमृतसर का जो फेमस तंदूरी कुलचा वो खाने आए हैं। और कहाँ पर आए हैं जी, इनका जो नाम है जी बहुत ही पुराना नाम है, बड़े ही अमृतसर में फेमस है। मैं अमृतसर में नहीं कहूँगा, ये पूरे पंजाब में फेमस है जी, सुभाष जूस बार वाले, जो कि अपने 60 साल से जो कि अमृतसर में सेवा कर रहे हैं अपने जूस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है पूरे इंडिया से। मतलब कस्टमर इनके पास जब भी अमृतसर गोल्ड टेम्पल आता था तो जूस पी के जाता था। तो अब इन्होंने बहुत ही बढ़िया न्यू लुक अपने रेस्टोरेंट को दी है, और साथ में आधार जो रेस्टोरेंट है वो इन्होंने कंबाइन किया हुआ है। तो स्पेशली यहाँ पर हमने सुबह जो ब्रेकफास्ट में आपको पराठा मिलेगा, अमृतसरी कुलचा मिलेगा, ठीक है, और डोसा वगैरह भी यहाँ से आपको मिलने वाला है। और बाकी हम करेंगे मेन कोर्स की बात, तो यहाँ पर थाली बड़ी फेमस है जी इनकी। आप लंच में डिनर में थाली वगैरह लेके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, फैमिली आ सकती है, बहुत ही बढ़िया है, एसी हॉल है। और डाइनिंग की बात ही मत करो, इतनी बढ़िया इतनी प्यारी इन्होंने डाइनिंग की हुई है। और लोकेशन की बात करें तो ये कटरा जयमन सिंह और कटरा शेर सिंह, जब आप क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल ये अपने कॉर्नर से पहले ही, मतलब चौक से पहले ही, जो पिंक प्लाजा के बिल्कुल पहले ही जो इनकी शॉप आ जाती है। वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये सुभाष जूस बार वाले, आप किसी से पूछ सकते हो अमृतसर में, आपको बड़ा इजी इनका एड्रेस जो है बता देगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, बात करते हैं और अपना कुलचा वगैरह तैयार करवाएंगे और आपको फिर रिव्यू देंगे। दोस्तों अंदर आ गए हैं और इतना बढ़िया लग रहा है कि आप मतलब पूछो मत, इतना बढ़िया इन्होंने यहाँ पर एटमोसफेयर बनाया हुआ है। तो नमस्कार सर। तो सर अपना शुभ नाम बताइए। गोपाल जी। तो गोपाल जी, बहुत ही बढ़िया आपने डाइनिंग वगैरह, बहुत ही लुक वगैरह बहुत ही अच्छी आपने बना ली है, तो सर बड़ा अच्छा लगा। और हम आपका स्पेशल अमृतसरी कुलचा आज ट्राई करने आए हैं। तो गोपाल जी बताइए, कुलचे में क्या क्या वैरायटी होती है अपने पास? कुलचे में आलू कुलचा, गोभी कुलचा, पनीर कुलचा, आनी कुलचा। अच्छा जी, अच्छा जी, सब मिलता है। और गोपाल जी सबसे बड़ी बात है जी, फुल डे यहाँ पर कुलचा मिलेगा हमें? मिलेगा है ना। और सुबह ब्रेकफास्ट में क्या क्या देते हैं जी? कुलचे के साथ हम डोसा देते हैं, सैंडविच मिलेगा, सैंडविच हो गए और अपना वो क्या होता है पराठा, आपका बड़ा फेमस है आलू पराठा। अरे वाह जी वाह, बहुत ही वैरायटी है। और बाकी मेन कोर्स में तो आपका लंच डिनर चल ही रहा है ना, सुबह से मिलता है 11 बजे। अरे अरे वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन आपने रखा हुआ है। तो अपने गोपाल जी बताइए, जर्नी स्टार्ट कैसी हुई आपके काम की? पहले हमारा पहले जूस काउंटर होता था बाहर से। अच्छा जी, पूरा जूस का काउंटर होता था ना, ठीक है जी। धीरे धीरे हमारे बड़ों ने, हाँ ठीक है जी, रेस्टोरेंट शुरू किया आपने, नया लुक दिया। और हमने अपनी आँखों से ही देखा है, आपने आपके बुजुर्गों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इस लाइन में, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही बढ़िया आप फूड जो है अमृतसरियों को जो है प्रोवाइड कर रहे हो। तो गोपाल जी थोड़ा बता दीजिए, जहाँ पर अपने किसी ने कोई किट्टी पार्टी करनी हो ऐसा कुछ भी अरेंज वगैरह सब को हो जाता है? क्या क्या करते हो? किट्टी पार्टी, अपना बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, सब कुछ होती है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ये भी जहाँ पर हमें जो है सर्विस मिलने वाली है। और सर थोड़ा हमें अब हमारे दोस्तों को ये बताइए, मेन कोर्स में क्या क्या होता है आपके पास? मेन कोर्स में हमारा सब कुछ होता है, दाल है, पनीर है, मशरूम है, सब कुछ मिलती है। ठीक है, हमारा जो स्पेशल पनीर है बहुत अच्छा है, आपने हमें कहीं कहीं नहीं खाया। अच्छा, मतलब वो मतलब स्पेशलिस्ट ही है आपकी, मतलब हमारे मेन्यू में नहीं लिखा वाले, हमारा शेफ बहुत अच्छा बनाता है। और दोस्तों सुबह सुबह आए हैं, अभी कस्टमर शुरू होने वाला है बस इनके पास, जैसे भाई गोपाल भैया बता रहे थे भी दोपहर को तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। ठीक है, और अपने गोपाल भैया ये बताइए, अपनी डाइनिंग में कितने बंदे एडजस्ट हो जाते हैं? हमारे 70-80 बंदे हो जाते हैं। अच्छा, 80 बंदे आराम से बैठ के जो है इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो और लोकेशन की बात करें तो बड़ी फेमस है आपकी, वैसे भी बड़ा फेमस है, और सामने पिंक प्लाजा पड़ता है, और यहाँ से कटरा शेर सिंह, कटरा जयमन सिंह की तरफ से आते हैं हम। और गोल्डन टेम्पल से किसी ने आना हो तो बस 2 दिन बोले बस, हाँ, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएगा ई रिक्शा वगैरह करके। तो ठीक है गोपाल जी, चलते हैं आपकी किचन में और कुलचा तैयार करवाते हैं। कुलचे का सेक्शन जी, जी। और मैं देख रहा हूँ जी आपकी जो किचन है बड़ी नीट एंड क्लीन है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं जी, क्या करते हैं? ये सबसे पहले मैदा लेते हैं। अच्छा मैदा, इसको मतलब आपने डो बनाई होती है? अच्छी तरह 7 लेयर। अच्छा 7 लेयर वाली डो होती है, ठीक है। ये क्या लगा रहे हैं भैया? अच्छा घी लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है गोपाल जी? कुलचा खस्ता हो जाता है। अच्छा, इससे मतलब जो अमृतसरी स्पेशली कुलचा है वही तैयार होगा, मतलब क्रंची होगा? क्रंची होगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये मैदा भी लगा रहे हैं थोड़ा सा, और फीलिंग में गोपाल भैया क्या क्या डालते हो आप? देखो सब कुछ मिक्स होता है, आलू होती है, प्याज होती है, गोभी होता है, पनीर होता है, मिक्स होता है। अच्छा मिक्स होता है सब, अगर वाह जी वाह, मतलब जैसे आपने अकेला लेना हो आलू का, वो भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, जो मिक्स में देते हैं सबको मिक्स। और हमारे शेफ जी क्या कर रहे हैं जी गोपाल जी? ये कुलचे की बना रहे जी। अच्छा कुलचे की लेयर या कुलचा का बना रहे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर
दिन बन जाएगा आपका। ये देखिए कितना बढ़िया, मतलब जैसे स्पेशली जो अमर सिंह ऑथेंटिक कुलचा गोपाल जी वही लगाते हैं आप यहाँ पर, और प्रॉपर देसी घी से तैयार होता है। हाँ, अमूल बटर के साथ में दिया जाता है। अच्छा, अमूल बटर होता है साथ में, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और चने वगैरह भी हमें दिखाते हैं, पहले कुलचा प्रिपेयरिंग करवा लें। अभी देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी ये कुलचे की डोई तैयार कर रहे हैं, मतलब तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल साफ सफाई है जी, और देसी घी रखा हुआ है साथ में। और ये क्या रखा हुआ जी? ये गोभी का। अच्छा, गोभी रखी हुई है, ओके ओके, अरे वाह जी वाह। अच्छा, ये भी साथ में डलेगी बिल्कुल जी। और आपके शेफ को कितना टाइम हो गया जी काम करते हुए? ये हमारे पास 15 साल से है। अच्छा, 15 साल से कुलचे का काम कर रहे हैं, अरे वाह जी वाह, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। ये देखिए फिल्म भी गोपाल जी कुछ कम नहीं डाली ना, काफ़ी फीलिंग डाली है इन्होंने। फीलिंग होगी, अब क्या करेंगे ये? अब अच्छा फिला लेंगे अच्छी तरह पहले, ठीक है जी। इसके ऊपर भी भैया घी लगेगा? ठीक है, घी लगेगा उसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़े साइज में कुलचा लगा रहे हैं। जब तैयार होगा दोस्तों फिर आपको दिखाएंगे, प्लेटिंग होगी। ये देखिए तो गोपाल जी, घी लगाने से क्या होता है ऊपर? खस्ता हो जाता है, खस्ता होता है, गोल्डन ब्राउन जो कलर है वो आएगा ना, इसे क्रंची आता है। हाँ सर, इसे क्रंची हुए। इधर पराठा वगैरह, लच्छा पराठा वगैरह लगता है। और ये देखिए ऊपर भी इन्होंने, तो गोपाल जी आपके तंदूर में कितने कुलचे लग जाते हैं एक टाइम में? लगे थे 20-25 कुलचे। सर, 20-25 कुलचे लग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये ऊपर कसूरी मेथी आ गई जी? जी, ये हल्का सा अजवाइन आ गई। अरे अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और अभी ये आ गया जी हमारा अपना हाथ का तैयार किया हुआ मसाला। अच्छा, ये लगेगा ऊपर जी? ये आपकी स्पेशल है, मतलब आपका ना मसाला? जी जी जी, इससे ही फ्लेवर आएगा सारा जो भी होगा। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। और तंदूर भी मैं काफ़ी अलग ही देख रहा हूँ, मतलब स्पेशली तंदूर आपने लेके आए हुए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, लगाने का तरीका भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लो जी, लग गया जी तंदूर में। और ये मतलब कितने टाइम में गोपाल जी तैयार हो जाता है? 5 से 7 मिनट। 5-7 मिनट लगेंगे बिल्कुल जी। तो चलिए दोस्तों, जब प्लेटिंग होती है फिर दिखाते हैं। बड़ी खुशबू आई है दोस्तों। तो गोपाल जी थोड़ा बताइए, कौन सा दाना होता है इसमें, क्या क्या डालते हो आप? ये चने होते हैं जी। अच्छा, चने, ये आपके स्पेशल अमृतसरी चने? इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले हमने, नमक मिर्ची और अपना मसाला तैयार किया। अपना मसाला होता है बिल्कुल, लाइट सा इसमें फ्लेवर आएगा बढ़िया, मतलब बाइक लेंगे कुलचे का बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, मतलब बिल्कुल टेस्टी होगा, जमी होगा। और ये कितने टाइम में पक जाते हैं जी? ये 1 घंटे में तैयार हो जाते। अच्छा, 1 घंटे में तैयार हो जाते हैं, सुबह ही आप तैयार करते हैं? हम इसको सोडा नहीं लगाते। अच्छा, सोडा नहीं लगाते आप, ये आपकी खासियत है मतलब, ठीक है जी। और साथ में मिलने वाली चटनी कौन सी होती है अपनी? ये कौन सी चटनी है? प्याज की चटनी है जी। और मैं इसमें देख रहा हूँ, मैं इमली का काफ़ी अच्छा खुशबू आई है, खाएंगे आपको पता लगेगा कैसा, खा के पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, प्लेट होने वाली है तैयार, और कुलचा भी होने वाला है। फिर कुलचा लगवा दिया आपने तो, और लुकिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा, बड़ा जमी लग रहा है। इसके ऊपर बटर लगेगा ये मूल का? ये मूल का। अच्छा, मूल का बटर, पहले देसी घी भी लगा दिया आपने? ये लग गया, और अब मक्खन आएगा। अब मक्खन लगाएंगे, देखिए आपको मक्खन लगाते हुए दिखाते हैं जी। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया। और जैसे आप गोपाल जी बता रहे थे चने के साथ खाने का, तो मज़ा ही अलग आएगा इसका। ये देखिए दोस्तों, अमूल बटर लगा के देसी घी भी लगाते हैं, अमूल बटर भी लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अब रहा नहीं जा रहा, गोपाल जी मुँह में आ गया पानी, चलते हैं आपकी डाइनिंग में। तो गाइज देखिए, गोपाल जी ने हमारे लिए कुलचा जो है तैयार करवा दिया है, और अब हम आ गए जी इनकी डाइनिंग में। तो डाइनिंग में तो बहुत ही बढ़िया जी एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल एसी वगैरह लगा हुआ है, पंखे वगैरह साथ में लगाए हुए हैं, और लाइटिंग का तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने इंतजाम करके रखा हुआ है। और लुक वाइज देखिए तो कुलचा तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल अमृतसरी स्पेशली, वाकई में स्पेशली अमृतसरी कुलचा जहाँ पर आपको मिलेगा। और कुलचे में काफ़ी वैरायटी है, गोभी वाला भी है, प्याज वाला भी है, पनीर वाला भी है, जैसे हमने एक हिसाब से मिक्स कुलचा भी लगा लिया है इनसे। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल क्रंची कुलचा इन्होंने लगाया है, तो बहुत ही बढ़िया। और चने में, चने जो है इनके काफ़ी मतलब खुशबू आ रही है जी, बहुत ही बढ़िया मसालों की, जैसे गोपाल जी ने बताया था, इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा कुछ अपने जो जो इनके जो सीक्रेट मसाले हैं वो डालते हैं, जिससे जो अमृतसरी चने में जो है फ्लेवर आता है। वाकई में दोस्तों दाने बिल्कुल गले हुए हैं, और वाकई में ना अभी कुलचा ने लगाया इतने अच्छे और इतने जमी जो है इनके चने तैयार हुए हैं। और ये जी इनकी चटनी, बिल्कुल टैंगी सा फ्लेवर है, इसमें इमली वगैरह डाली हुई है, और ये जो प्याज है बिल्कुल चॉप की है, बिल्कुल बारीक
चौक करके डाले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और वैसे भी इनका फुल डे यहाँ पर आपको कुलचा मिलेगा, किसी भी टाइम में आकर यहाँ पर आप आकर कुलचा जो इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बाइट करते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल खस्ता कुलचा लगाया जिससे आप क्रिस्पी बोल सकते हो और बड़े आराम से टूट गया है। क्या बात है, क्या बात है। और लगाने का तो मेथड ही इनका बड़ा अलग है, मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ये साथ में इनकी चटनी भी लगाते हैं, चटनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों लाजवाब, इतना अमेजिंग कुलचा लगवा के दिया गोपाल जी ने, बहुत ही बढ़िया। और मुंह में जाते घुल गया, इतना क्रिस्पी है। और वाकई में जो ऊपर इन्होंने जो मसाला इन्होंने कोई स्प्रेड किया था उसका तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, तो रुका तो जा नहीं रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। हाथ लगाते कुलचा टूट रहा है, यही अमृतसरी कुलचे की असली पहचान होती है। तो आए हैं दोस्तों सुभाष जूस बार वालों के पास, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको कुलचा मिलेगा। मेरा तो संडे का यहाँ पर पक्का नाश्ता हो गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो आए दोस्तों इनको सपोर्ट भी करें, यहाँ पर मेन कोर्स भी है, आप लंच डिनर वगैरह सब कर सकते हो। कोई पार्टी वगैरह अरेंज करानी हो तो वो भी गोपाल भैया कर देते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा घर जैसा ही माहौल मिलेगा और नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहना और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना।